गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, लेजिस्लेशन रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर अपन कंटिन्यूस ये टॉपिक चल रहा है। लेजिस्लेशन रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर के बारे में आप ऑलरेडी अवेयर हो चुके हैं। इसके अपन ने 5 टॉपिक कंप्लीट कर लें हैं, 5 एक्ट अपन ने कंप्लीट कर लें हैं। आज लास्ट टॉपिक है, लास्ट एक्ट है जो अपन फाइनली कंप्लीट कर देंगे आज ये टॉपिक। तो अपन देखते हैं कौन सा टॉपिक है लास्ट एंड फाइनल। तो ये है द चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एक्ट। तो आप चाइल्ड एब्यूज़ का मतलब तो आप समझते होंगे। चाइल्ड एब्यूज़ का मतलब होता है कि जो बच्चा, जिस बच्चे को फिज़िकली, सेक्सुअली एंड साइकोलॉजिकली माल ट्रीटमेंट किया जाता है, भले वो पेरेंट्स करे या कोई केयर गिवर जो केयर करता है, वो ये कंडीशन करता है, बच्चे के साथ कोई शोषण करता है, भले उसके साथ वो फिज़िकली मारपीट करता हो, मारता हो, हर टाइम मारपीट करता हो, लॉकअप में रखता हो, या फिर उसके साथ कोई सेक्सुअली माल ट्रीटमेंट करता हो, या साइकोलॉजिकल टॉर्चर करता हो, नेगलेक्ट करता हो, उसको भगाता हो, ये सब कुछ करता हो, इस तरीके से मतलब उसके साथ काम ज़्यादा कराता हो, मतलब बच्चे की उम्र के अनुसार मतलब शोषण करता हो एक तरीके से, उसे ही क्या बोलते हैं, चाइल्ड एब्यूज़ बोलते हैं। तो चाइल्ड एब्यूज़ के अंदर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, उनका प्रिवेंशन करना, उनका ट्रीटमेंट करना, ये एक्ट इसमें अपने लागू किया था। लेजिस्लेशन कोई कानून के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, जो चाइल्ड एब्यूज़ वाले बच्चे हैं उनको प्रिवेंट करना और उनको ट्रीटमेंट देना, इस एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। तो इस एक्ट के अंदर अपन डिस्कस करते हैं, एक एक चीज़ अपन बताते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, देखते हैं। तो द चाइल्ड एब्यूज़ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एक्ट के अंदर क्या है, द चाइल्ड एब्यूज़ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एक्ट वाज ओरिजिनली एनेक्टेड इन पब्लिक लॉ 93-247। मतलब ये है कि जो चाइल्ड एब्यूज़ के अंदर जो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट है, तो ये एक्ट जो स्टार्ट हुआ था पब्लिक किस लॉ के अकॉर्डिंग हुआ था, 93-247 के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, ये स्टार्ट किया था, एनेक्टेड किया या अधिनियम किया कि जो चाइल्ड एब्यूज़ वाले बच्चों को प्रिवेंशन करना, ट्रीटमेंट करना, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ओरिजिनल कब एनेक्टेड हुआ, किस कानून के अकॉर्डिंग हुआ, किस पब्लिक कानून के अकॉर्डिंग, 93-247 के अकॉर्डिंग। मतलब लॉ है 93-247 के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एक्ट स्टार्ट किया। द लॉ वाज कम्प्लीटली रिटन इन द चाइल्ड एब्यूज प्रिवेंशन अडॉप्शन एंड फैमिली सीरियस एक्ट ऑफ 1988। इस लॉ के अनुसार अपन देखेंगे, इस लॉ के अनुसार कम्प्लीटली चाइल्ड एब्यूज, मतलब कम्प्लीटली क्या उन्होंने क्या लिखा, दोबारा वापस लिखा 1988 के अंदर उन्होंने क्या लिखा, दोबारा कम्प्लीटली रीराइट किया पूरे कानून को लिखा। क्यों, मान लो दोबारा मतलब कई कंडीशन ऐसी हो जाती है कि ना, कि मतलब जो चाइल्ड एब्यूज की कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चाइल्ड एब्यूज वापस दोबारा होने लग गए थे, बहुत ज़्यादा बहुत सीरियस होने लग गए थे, उस कंडीशन में चाइल्ड एब्यूज प्रिवेंशन के लिए और अडॉप्शन के लिए जो गोद ले लेते हैं माता पिता या अनाथ आश्रम से लेते हैं या कहीं से ले लेते हैं, एंड फैमिली सीरियस एक्ट और फैमिली मेम्बर के कैसे मतलब फैमिली मेम्बर किस तरीके से केयर करती है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, 1988 में कुछ कानून बनाए, कम्प्लीटली उन्होंने रीराइटिंग लिखे उन्होंने उनके मतलब किसके लिए, जो चाइल्ड एब्यूज प्रिवेंशन के बारे में, अडॉप्शन के बारे में और फैमिली की केयर के बारे में, फैमिली किस तरीके से 1988 में उन्होंने दोबारा क्या किया, उन्होंने दोबारा लॉ लिखे किसके अकॉर्डिंग, चाइल्ड एब्यूज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर, तो यह है देखते हैं, द एक्ट इज एम्ड एट प्रिवेंटिंग सेक्सुअल एब्यूज ऑफ चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग डेफिनेशंस एंड प्रिवेंटिव मैकेनिज्म, विक्टिम प्रोटेक्शन, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव प्रोटोकॉल, कोर्ट प्रोसीजर्स टू सर्व बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड फॉर देयर रिहेबिलिटेशन एंड पनिशमेंट ऑफ perpetrators and sexual crimes against children through various institutions established under this act. इसका मतलब ये है कि इस एक्ट के अंदर, मतलब जो चाइल्ड एब्यूज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एक्ट के अंदर सबसे मेन इम्पोर्टेंट एम ये है, प्रिवेंट करना सेक्सुअल एब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जो सेक्सुअल एब्यूज वाले बच्चे हैं, जिनके साथ सेक्सुअल एब्यूज हो रहा है, जिनका यौन शोषण हो रहा है, जिनके साथ यौन शोषण हो रहा है, उन बच्चों को प्रिवेंट करना बाय प्रोवाइडिंग डेफिनेशन, उनको उनके हित के बारे में या उद्देश्य के बारे में उनके परिभाषित करके, उनके हर चीज़ के बताकर कि ये प्रोवाइडिंग डेफिनेशन की इसका मीन क्या होता है, डेफिनेशन को परिभाषा के बारे में बताकर उनको प्रिवेंट करना, प्रिवेंट करना, प्रिवेंशन करना सबसे ज़्यादा एम है किसका, इस एक्ट का। देन ये कि प्रिवेंटिव मैकेनिज्म, उसके जितने भी मैकेनिज्म उनको प्रिवेंट करना, विक्टिम प्रोटेक्शन, उसको जो बच्चा है उसको प्रोटेक्ट करना, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, जो भी इंसिडेंट हुआ है उसको रिपोर्ट करना, इन्वेस्टिगेटिव प्रोटोकॉल, उसकी जांच करना, एंड कोर्ट प्रोसीजर टू सर्व बेस्ट इंटरेस्ट टू चिल्ड्रेन, और कोर्ट के अंदर उसका
अच्छे से अच्छे इंटरेस्ट आप बच्चे के साथ, क्योंकि कोर्ट प्रोसीजर करना एंड फॉर देयर रिहेबिलिटेशन, उसको पुनर्वास करना, उसी को वापस ठीक करना, एंड पनिशमेंट ऑफ परपेट्रेटर्स ऑफ सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, और उसको पनिशमेंट दिलाना जो अपराधी था, परपेट्रेटर्स का मतलब होता है अपराधी, जिसने सेक्सुअल क्राइम किया है बच्चे के साथ अगेंस्ट चिल्ड्रन, उसको पनिशमेंट दिलाना थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश अंडर दिस एक्ट। तो इसके अंदर बहुत सारे इस मामले के खिलाफ जो अपराधी उसको क्या करना है, पनिशमेंट दिलाना है। कुछ ऐसे हैं, कुछ संस्थान हैं, कुछ इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए हुए हैं इन दिस एक्ट के अकॉर्डिंग, उस अकॉर्डिंग चिल्ड्रंस को क्या करना है, उसको उस अकॉर्डिंग उसको क्या पनिशमेंट उसको प्रोवाइड कराना है, उसको पनिशमेंट देना है जो सेक्सुअल क्राइम के अगेंस्ट उसको बच्चे के साथ किया था थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश अंडर दिस एक्ट। इसके एक्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या हुए हैं, इस्टेब्लिश किए हुए हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो ये एक्ट जो ये कहता है कि इस एक्ट का जो मेन जो फोकस होता है, जब मेन एम ये है कि जो प्रिवेंट करना सेक्सुअल एब्यूज से प्रिवेंट करना, या फिजिकली एब्यूज से प्रिवेंट करना, या इमोशनली एब्यूज से प्रिवेंट करना, पर जो मेन फोकस जो किया जाता है वो ये है कि जो सेक्सुअल एब्यूज वाले बच्चे हैं उनको प्रिवेंट करना, उनको प्रिवेंट करने के बाद उनको प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन के बाद उनकी रिपोर्टिंग करना, इन्वेस्टिगेशन करना, रिस्ट्रिक्टिव प्रोटोकॉल एंड कोर्ट प्रोसीजर इज द बेस्ट। अच्छी जो कोर्ट प्रोसीजर जो केस वेस होता है वो प्रॉपरली होना चाहिए, पूरा सिस्टमेटिक होना चाहिए, देन उसका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए बच्चे का, और जिसने ये क्राइम किया है, जिसने ये अगेंस्ट द क्राइम सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट द चिल्ड्रन, उसको पनिशमेंट ऑफ द जो अपराधी है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए थ्रू द किसके अकॉर्डिंग, इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश अंडर द दिस एक्ट, जितने भी इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये पूरा पनिशमेंट मिलता है किसको, जिसने ये क्राइम किया है। ठीक है, समझ में आया। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका मेजर प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर, इसके मेजर प्रोविजन कौन कौन से हैं इस एक्ट के, देखिए। तो क्या है कि तो मेजर प्रिवेंशन ऑफ द एक्ट आर क्या कौन कौन से हैं, जो मेजर प्रिवेंशन वाला जो प्रावधान कौन कौन से हैं, मेजर बहुत बड़े जो इस एक्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं, पहला देखते हैं। द एक्ट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू स्टेट टू डेवलप द चाइल्ड अब्यूज एंड नेगलेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन प्रोग्राम्स। इस एक्ट के अंदर सबसे बात यह है कि इस एक्ट के अंदर दिस एक्ट द प्रोवाइड्स, ये क्या कहता है, प्रोवाइड असिस्टेंट टू स्टेट टू डेवलप चाइल्ड अब्यूज, जितने भी चाइल्ड अब्यूज है, जितने भी नेगलेक्ट है, उनको आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन प्रोवाइड कराना, इन प्रोग्राम्स के क्या कहते हैं, डेवलपमेंट करना, उनको विकसित करना, इस प्रोग्राम के बारे में बताना कि जो चाइल्ड अब्यूज़ हो रहे हैं उन चाइल्ड अब्यूज़ हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करना, नेगलेक्ट हो रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन हो रहे हैं एंड प्रिवेंशन करना, जितने भी उन प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में क्या करना है, इनको विकसित करना, क्या करता है ये सपोर्ट करता है, क्या करता है ये सपोर्ट करता है कि प्रिवेंशन हो रहा है या हो नहीं हो रहा है, नेगलेक्ट वाले बच्चों को हो रहा है, चाइल्ड अब्यूज वाले बच्चों को हो रहा है, या आइडेंटिफिकेशन की पहचान हो रही है नहीं हो रही है, इन कंडीशनों को क्या करना है, डेवलपमेंट करना, उनके बारे में पहचानना, और उसके लिए क्या करता है ये सहायता प्रदान करता है, प्रोवाइड द असिस्टेंट टू स्टेट, ये एक्ट क्या करता है, जितने भी चाइल्ड अब्यूज वाले बच्चे हैं, नेगलेक्ट वाले बच्चे हैं, जो उनको क्या करना, आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन, जितने भी प्रोग्राम्स उनके बारे में पहचानना और उनको डेवलपमेंट कराना ही इसका क्या करना, सपोर्ट करना ही इसका एक्ट का काम है। नेक्स्ट है, इट ऑथराइजेज गवर्नमेंट रिसर्च इन टू चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, मतलब जितने भी चाइल्ड अब्यूज वाले प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट है, जो भी है ये इनका सब, जो देखा जाए अपने हेल्थ के ऊपर देखा जाए, जो हेल्थ है वो, या प्रिवेंशन है जो चाइल्ड अब्यूज वाला प्रिवेंशन है, या फिर ट्रीटमेंट है, ये सब ऑथराइज कौन होता है, गवर्नमेंट ऑथराइज है, जो जितने भी बच्चे की चाइल्ड अब्यूज वाले बच्चे को प्रिवेंशन कराना, उनको ट्रीटमेंट कराना, ये सब किसके अकॉर्डिंग आता है, ये सब अकॉर्डिंग आता है किसके, गवर्नमेंट के थ्रू। रिसर्च करके पता लगा कि ये ऑथराइज कौन होता है, गवर्नमेंट होता है, जितने भी चाइल्ड अब्यूज वाले बच्चे हैं उनको प्रिवेंशन कराना और ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट ये है कि इसका मेजर प्रोविजन ये है, नेक्स्ट, क्रिएटेड द नेशनल सेंटर ऑन द चाइल्ड अब्यूज एंड नेगलेक्ट विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर। इन्होंने क्या किया, इसका मतलब ये है कि जैसे जो हेल्थ है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन एंड वेलफेयर के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, इनको देखते हुए चाइल्ड अब्यूज जो नेगलेक्टेड, इनको देखते हुए क्या किया इन्होंने, हेल्थ को प्रॉपर बनाने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, वेलफेयर डेवलपमेंट करने के लिए, कल्याण करने के लिए किसी चीज़ का, बच्चे का कुछ को इसके अंदर डेवलपमेंट या बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या किया, नेशनल सेंटर ऑफ चाइल्ड अब्यूज को नेगलेक्ट सेंटर इन्होंने ओपन किया गया, क्रिएटेड किया गया, मतलब राष्ट्रीय केंद्र बनाया गया, जिससे क्या होता है बच्चों की हेल्थ के ऊपर प्रॉपरली ध्यान दिया जाए, एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया जाए, वेलफेयर के ऊपर
प्रॉपर ध्यान दिया था। विद इन द डिपार्टमेंट क्रिएटेड द नेशनल सेंटर ऑफ चाइल्ड एब्यूज एंड नेगलेक्ट। इन्होंने क्या किया, क्रिएटेड किया नेशनल सेंटर ऑन चाइल्ड एब्यूज एंड नेगलेक्ट का विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन एंड वेलफेयर। उन्होंने क्या किया, हेल्थ का, एजुकेशन का एंड वेलफेयर के अकॉर्डिंग उनके साथ साथ क्या किया उन्होंने, इन्होंने क्रिएटेड नेशनल सेंटर ऑफ द चाइल्ड एब्यूज का इन्होंने बनाया। तो ये आती सब मेजर प्रोविजन की तीन कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट एंड फाइनल जो मेजर जो है मेजर प्रोविजन जो लास्ट अपना वो देखिए, इसमें है कि इस्टेब्लिश बैंक स्टेट ग्रांट्स एंड ट्रेनिंग पर्सनल एंड सपोर्ट प्रोग्राम्स एम ए एट प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग चाइल्ड माल ट्रीटमेंट। इसका मतलब ये है तो जैसा कि इसमें ये कह रहा है कि इस्टेब्लिश एंड बैंक स्टेट ग्रांट ऑफ ट्रेनिंग एंड पर्सनल एंड सपोर्ट द प्रोग्राम। जितने भी इस्टेब्लिश किए हुए हैं बैंक स्टेट में और जितने भी इस्टेब्लिश किए ग्रांट जो ट्रेनिंग दिए गवर्नमेंट के थ्रू जो ट्रेनिंग पर्सनल हैं या सपोर्ट जो प्रोग्राम्स भी इस्टेब्लिश किए हुए हैं उनका एम क्या है, सबका एक ही एम है प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग द चाइल्ड माल ट्रीटमेंट। उन बच्चों को जो चाइल्ड एब्यूज वाले बच्चे हैं जो फिजिकली हैं जो सोशली है या इमोशनली जो बच्चे हैं उनको प्रिवेंट करना ट्रीट करना एंड चाइल्ड माल ट्रीटमेंट उन सबको क्या करना प्रोवाइड कराना रोकथाम जो उनको ट्रीटमेंट देना प्रिवेंशन करना एजुकेशन प्रोवाइड कराना प्रॉपरली यही उनका क्या है सबसे बड़ा एम है। तो आपने देखा कि आपने कंप्लीट अपन ने देखा इसके अंदर अपना जो सिक्स्थ था सिक्स्थ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार अपन देख लेते हैं इसमें अपन ने क्या क्या देखा, देखिए एक बार इस पर अपन ने देखा कि जो चाइल्ड जो अपन ने देखा कि चाइल्ड एब्यूज प्रिवेंशन जो एक्ट था वो स्टार्ट जो पब्लिक के थ्रू जिस लॉ के अकॉर्डिंग किया वो 1947 में स्टार्ट किया गया था। इनके अंदर रीराइटिंग 1988 में रीराइट किया रिटर्न किया था दोबारा लॉज बनाए गए थे। इस एक्ट का जो एम है जो कि सेक्सुअली एब्यूज प्रिवेंशन करना है बच्चों को और प्रिवेंटिव मैकेनिज्म करना है विक्टिम प्रोटेक्शन करना है इंसिडेंस रिपोर्ट करना है इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल करना है कोर्ट प्रोसीजर तो प्रॉपरली होना चाहिए रिहैबिलिटेशन पनिशमेंट देना है जो भी अपराधी है जो सेक्सुअल क्राइम के अगेंस्ट जिसको किया है उसको पनिशमेंट मिलना ज़रूरी है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया। नेक्स्ट ये है इसके अंदर की जो मेजर प्रोविजन है कि पहला जो मेजर प्रोविजन है तो इस एक्ट को प्रोवाइड द स्टेट टू डेवलप चाइल्ड जो क्या क्या जितने भी उनको पहचान कराना और प्रिवेंटिव कराना उनके बारे में पहचान कर डेवलपमेंट के बारे में बताना जितने भी प्रोग्राम्स हैं। नेक्स्ट है कि जो चाइल्ड एब्यूज के प्रिवेंशन ट्रीटमेंट के जो ऑथराइज होता है वो गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट है थर्ड वन ये है कि जो हेल्थ एंड एजुकेशन वेलफेयर के अकॉर्डिंग साथ साथ ये भीतर इन्होंने क्या बनाया एक नेशनल सेंटर बनाया चाइल्ड एब्यूज नेगलेक्ट के लिए जो बच्चों के लिए प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो या इसके लिए प्रॉफिट हो उसके लिए। नेक्स्ट है जो इस्टेब्लिश बैंक स्टेट ग्रांट्स एंड ट्रेनिंग पर्सनल एंड सपोर्ट प्रोग्राम्स एम द प्रिवेंटिंग ट्रेटिंग एंड माल ट्रीटमेंट जितने इस्टेब्लिश किए इन्होंने ग्रांट ट्रेनिंग पर्सनल और सपोर्ट प्रोग्राम्स बहुत सारे इस्टेब्लिश किए उनका एक ही एम है कि जो प्रिवेंट करना है ट्रीटिंग करना माल ट्रीटमेंट वाले बच्चों को। ये छः कंप्लीट हो गए अपने एक्ट। अपन को देखना है कि अपने पास रेस्ट ऑफ फोर एक्ट ऐसे हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं किए हैं पर आप उनको डिस्क्रिप्शन खुद करिए। पहले सेवंथ है रिहैबिलिटेशन एक्ट 1973 के अंदर। नेक्स्ट है पेरेंट किडनैपिंग प्रिवेंशन एक्ट 1980 है जो पेरेंट्स किडनैपिंग हो जाए मतलब बच्चे किडनैप कर लेते हैं या पेरेंट किडनैप कर लेते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए पेरेंटल किडनैपिंग मतलब जो माता पिता या बच्चों को जो किडनैप कर लेते हैं जो बच्चा छोटा सा होता है उसी को किडनैप कर लिया जाता है उस एक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। रनवे यूथ एक्ट इसके अकॉर्डिंग अपने एक्ट बनाया। सोशल सिक्योरिटी एक्ट ये 10th है सोशल सिक्योरिटी जो सोशल के लिए सिक्योरिटी के लिए एक्ट बनाए हुए हैं। तो ये चार आप अपने आइडिया से अपने कुछ इंटेक्चुअल यूज़ करके अपने नोट्स बनाइए कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिए कमेंट्स के अंदर। ये आपका टॉपिक आज का कंप्लीट होता है ये लेजिस्लेशन रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर मेरी तरफ से बिल्कुल फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे वो है नेशनल प्रोग्राम रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर जो जितने भी प्रोग्राम्स स्टार्ट हुए नेशनल प्रोग्राम्स उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो लेजिस्लेशन रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच हैव ए ग्रेट डे।